Hello friend, this is introduction to 3D animation using Maya and today we will create this ball bounce. तो आइए शुरू करते हैं। By going into file and then reference editor. We will create a reference by using this ball over here. So let's go to front view. Let's say this ball was high up there. And then after maybe 10 frame, it would come down. तो ये ball यूँ पहला bounce करेगा और उसके बाद वो bounce करता जाएगा और end पे settle हो जाएगा. Let's go into the graph editor. तो अभी हम y axis में देखें तो शुरू में ball ऊपर से नीचे आ रहा है तो मे बी इट विल गो इन टू लाइक अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद हम मज़ीद कीज ऐड करते हैं. लेट्स से वी ऐड अ की 20, 30. हर दफ़ा बाउंस की जो हाइट है वो कम होती जाएगी. लेट्स मेक इट लाइक अ फ्लैट कर्व. तो पहला जो बाउंस था वो उसकी हाइट कुछ यूँ थी. जो नेक्स्ट बाउंस है उसकी हाइट को हम लोग अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. फर्स्ट टाइम बॉल नीचे आया, बाउंस किया और मे बी उसके बाद उसकी हाइट कुछ इतनी होगी और नेक्स्ट बाउंस में मे बी उसकी हाइट कुछ यहाँ पे होगी और फिर लेस होती जाएगी कुछ यूँ. एंड मे बी वी नीड मोर कीज ओवर हेयर और इस दफ़ा इसकी हाइट और कम हो जाएगी ओवर हेयर एंड देन समथिंग लाइक दैट. तो अभी अगर हम लोग एनिमेशन को देखें तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट. हर दफ़ा उसकी हाइट को भी हमने कम किया, अभी हमने बाउंस की फील को ऐड नहीं किया. तो let's try to select all these guys over here और उसको हम लोग linear कर देते हैं. तो अब हमें by default माया ने कुछ hang time दिया हुआ है. अब हम play करके देखते हैं तो हमें bounce की feel आना शुरू हो गई है but the timing is not correct. जो first bounce है वो ज़्यादा time लेगा because it is going up higher, तो उसका time ज़्यादा होगा. next bounce का कम होगा, इसी तरह कम होता जाएगा होता जाएगा. तो let's try to solve this issue. First time bounce करने में ball ने 20 frame लिए, next time उसको कम frame लेने हैं. Let's select all these keys over here और उसको हम लोग scale down करते हैं by using this handle over here. Let's scale it like maybe 10 frames. और next time इसको छोड़ के बाकी keys को select करता हूँ और उनको scale करता हूँ 10 frame के लिए. और उसके बाद इस part को select किया, scale किया. I will do the same for this one. Let's select this guy और इसको scale कर देते हैं कुछ. अब हम अगर play करेंगे तो it is looking already much better. I think the last bounce they are too fast. Let's readjust the timing for them. I can select all these guys and मैं क्या करूँगा, shift press करके middle mouse से भी move कर सकता हूँ. और उसके बाद मुझे मज़ीद कुछ keys चाहिए तो आई कैन ऐड दैम ओवर हेयर मे बी. बिल्कुल एंड पे मैंने क्या किया, कुछ कीज़ को ऐड करके इसको मज़ीद थोड़े से बाउंसेस वगैरह दे दिए और इनको मैं मिडल माउस से एडजस्ट कर रहा हूँ. उसकी टाइमिंग ओवरऑल इसकी टाइमिंग और कम होगी, इसकी हाइट भी कम होगी. इसको हम लोग सेलेक्ट करके लीनियर कर देते हैं. तो दोस्तों मैं क्या करता जा रहा हूँ, हर दफ़ा हाइट को कम करता जा रहा हूँ और टाइमिंग को एडजस्ट करता जा रहा हूँ. I think over here the timing is too much. Maybe इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं. अब हम चेक कर रहे हैं कि हाइट वाइज चीज़ें कम हो रही हैं और टाइमिंग वाइज भी चीज़ें क्लोज़र होती जा रही हैं. अब इसका हैंग टाइम बनाने के दो तरीके हैं. एक तो ये तरीके है कि मैं इन दोनों टेंजेंट्स को ब्रेक करूँ और रीएडजस्ट कर देता हूँ इन दोनों को मैनुअली. एंड आई विल डू सेम फॉर दिस गाय. द अदर मेथड इज़ आई कैन ऐड कीज by selecting any key and then pressing I को छोड़ना नहीं है और middle click करूँगा तो यहाँ पर मुझे key मिलेगी जिसको manually adjust कर सकता हूँ. and same thing I can readjust this guy by breaking this और यहाँ पर इस curve को readjust कर सकता हूँ. same for this guy I can add a key over here and here और उसको use करते हुए animate कर सकता हूँ उसको. I will prefer to just use दिस का ओवर हेयर, इसको ब्रेक करें और इसका हैंग टाइम बढ़ा देते हैं. सेम फॉर दिस का ब्रेक किया, हैंग टाइम बढ़ाया
suit this for this guys. Yeah, let's leave this like here, maybe something like that. Two. Maybe कुछ ऊपर आएगा थोड़ा सा. Okay, let's play this now. Yeah, looking much better, guys. Okay, let's create a layer by going into anim and then इसको select किया हुआ हमने already. हम इधर क्लिक करते हैं एड अ न्यू लेयर बाय यूजिंग सेलेक्टेड आइटम और इसका नाम दे देते हैं बॉल. अब हम चाह रहे हैं कि ये बॉल लेफ्ट से राइट मूव करता हुआ जाए, तो यहाँ पे मैंने एस प्रेस किया, की लगा दी, इसको मूव किया कुछ यहाँ पे और बिल्कुल एंड पे जब वो बिल्कुल सेटल हो जाता है बॉल, वहाँ पे इसको राइट साइड पे मूव कर दिया और डबल क्लिक करके राइट क्लिक किया और टेंजेंट्स को हम लोग लीनियर कर देते हैं. सेम चीज़ हम लोग ग्राफ एडिटर से भी कर सकते हैं. तो अभी ये टेंजेंट लीनियर हो गए. लेट्स प्ले दिस नाउ. या द बॉल इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट अभी बिल्कुल एंड पे जो रुक रहा है वो सडनली रुक रहा है. उसको थोड़ा सा रोल चाहिए, हल्का सा उसको ना, क्योंकि एक मोमेंटम के साथ चीज़ें आ रही हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो उसको थोड़ा सा राइट की तरफ रोल चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मे बी कुछ फ्रेम के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर मूव कर देते हैं और ईज इन देने के लिए मैं आई प्रेस करता हूँ, ऊपर की तरफ मूव करता हूँ. लेट्स ट्राई टू मेक इट ऑटो टेंजेंट. अब हम प्ले करके देखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग रोटेशन की वैल्यूज को ऐड करना चाहेंगे, तो उसके लिए सेम मैं क्या करूँगा, एक नई लेयर ले लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको दे देते हैं बॉल रोटेशन. अब हम ये चेक करेंगे कि जो नीचे बॉल रुक रहा है वो कहाँ पे रुक रहा है, तो वहाँ पे की को देखते हुए हम ऊपर एक की लगा देंगे, तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल रुक जाना चाहिए ना. और उसके बाद हम पहली की पे चले जाएंगे, यहाँ पे बॉल में कुछ रोटेशन ऐड करेंगे. हम ग्राफ एडिटर पे जाते हैं और रोटेशन वाइज हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो इट इज़ रोटेशन जी. तो शुरू में बॉल की रोटेशन लीनियर होगी और उस पे एंड पे बिल्कुल ईज इन ऐड कर लेंगे हम लोग. इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं रफली क्या हमें मिल रहा है. तो एंड पे हमें हल्की सी स्लाइड की फील आ रही है अभी भी, इसका मतलब यह है कि हमें मजीद रोटेशन की ज़रूरत है. तो सेम हम लोग देखेंगे कि नीचे जो की है वो कहाँ पे है, वो कुछ यहाँ पे थी, तो हम लोगों ने इसको देखते हुए बॉल रोटेशन में की ऐड कर दी. रोटेट जी के अलावा हम लोग चले गए, इसको मैं ऑटो टेंजेंट कर देता हूँ. और यहाँ पे हमें मज़ीद रोटेशन चाहिए, तो हम इसकी को लेते हैं और इसको मज़ीद रोल करने की कोशिश करते हैं. लेट्स मूव इट मोर डाउन और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस तरह से, मे बी मोर. तो यहाँ तक रोटेशन ठीक है और उसके बाद ये कुछ ज़्यादा रोटेशन हो रही है, इसको पकड़ के इज इन ऐड करेंगे. लेट्स लाइक दिस गाय एंड मेक इट फ्लैट. यस, अब इसकी रोटेशन कितने बेहतर है. लेट्स टर्न ऑफ दीज कंट्रोलर्स नब्स कर्व्स. अब इसको प्ले करते हैं. यस, लुकिंग मच बेटर. अब हम मज़ीद इसमें एक्स्ट्रा लाइफ ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल एंड पे जब वो बॉल रुक रहा है सडनली, उसमें हल्की सी लाइफ ऐड कर सकते हैं, मूविंग होल्ड ऐड कर सकते हैं. उसके लिए हम काम करेंगे इस पर. अब मैं क्या करूँगा, इस प्ले बैक रेंज को एडजस्ट करूँगा इस तरह से कि मैं इस टाइम लाइन पर फोकस कर सकूँ. अब मैं इसके नब्स कर्व्स को ऑन करता हूँ और एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मूविंग होल्ड. जहाँ पे हमारी एनिमेशन एंड हो रही थी नीचे वाली लेयर में, हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि लास्ट की कहाँ पे थी. सेम उसी फ्रेम पे हमने की लगा दी मूविंग होल्ड वाले पे और हमने क्या किया, इसकी रोटेशन वाइज इसको पीछे की तरफ रोटेट किया थोड़ा सा, रोटेट जी में और ट्रांसलेट कर दिया. इसको यूँ प्ले करके देखते हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही, और इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट किया. और सेम मैंने मज़ीद कुछ फ्रेम्स लेते हुए यहाँ पे की किया इसको और थोड़ा सा आगे ट्रांसलेट किया और दूसरी साइड में हमने रोटेट करना है इस तरह. अब हम इसको यू प्ले करके देखते हैं. हमने थोड़ा सा सेटल ऐड कर दिया ऑलरेडी बॉल में,
तो ये एक्स्ट्रा डिटेल थी जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसको लेयर अप कर सकते हैं टू मेक आवर एनिमेशन सुपर ऑसम। लेट्स से वी लाइक दिस एनिमेशन, अब हम लेयर्स को बेक करना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपल सेलेक्ट करेंगे सभी लेयर्स को, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज लेयर्स में ये जो बॉक्स है उस पर चले जाएंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे स्मार्ट बेक ऑन है, इसको ऑन करके हम लोग मर्ज कर देते हैं। स्मार्ट बेक क्या करता है, वो हर फ्रेम पे की नहीं लगाता, बल्कि वो देखता है कि कहाँ पे ज़रूरत है की लगाने की, उसके मुताबिक उसको बेक कर देता है। इसका एक प्ले ब्लास्ट बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, प्ले ब्लास्ट के बटन पे चेक करते हैं कि क्या हमारी सेटिंग्स है, और इसका नाम हम दे देते हैं बाउंसिंग बॉल। प्ले ब्लास्ट पे क्लिक करते हैं, यस इट इज़ लुकिंग मच नेसर। आई होप ये आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एनिमेशन के रिलेटेड, माया के इंटरफेस के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं, मज़ीद हम लोग कम्प्लेक्स करते जाएंगे, हम एनिमेशन स्किल्स को सीखते जाएंगे। टिल देन टेक केयर।